afternoon to all the students of B.Ed. first year who have selected English as method of teaching. Session 2019-2021 C7A Unit 3 Methods of English Teaching PSS01 Lecture number 54 M. Now the question is, what is writing? Discuss the mechanics of writing. As we know, writing is one of the four basic skills of a language. It should be introduced just after word recognition. It reinforces oral and reading skills. Writing provides a change of activity to do some homeworks. It carries the human culture from one generation to another one. If there were no writing skills, we would have no epics like the Ramayana, the Gita, the Bible, the Quran, etc. So students should be helped to write English neat and clean. लेखन लैंग्वेज के चार स्किल्स जो हैं L, S, R, W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चार स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसमें एक महत्वपूर्ण स्किल है। इसको आरंभ कर देना चाहिए वर्ड रिकॉग्निशन, शब्द पहचानने के बाद। बच्चा जब शब्द पहचानने लगे तो राइटिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। यह मौखिक और पठन कौशलों को पुनर्बलन देता है। यह एक्टिविटी परिवर्तन को भी प्रदान करता है जो कुछ होमवर्क करने के लिए होता है। यह मानव संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। यदि लेखन कौशल नहीं होता तो हम लोगों के पास जो आज हमारे महाकाव्य हैं, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये भी नहीं होते। हमारे पास हमारा इतिहास भी नहीं होता। सो स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू राइट इंग्लिश नीट एंड क्लीन। इसीलिए बच्चों को, छात्रों को शुद्ध और साफ इंग्लिश सीखने के लिए मदद की जानी चाहिए। राइटिंग स्किल इंक्लूड्स मेकिंग लेटर्स ऑफ राइट शेप, नंबर वन है। नंबर टू, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स एंड लाइंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन एवर नेसेसरी। फोर्थ है, कंट्रोलिंग स्मॉल मसल्स एंड फिंगर्स एंड रीच टू हैव फ्लुएंट मूवमेंट ऑन राइटिंग। बच्चों के जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, उंगलियां होती हैं, कलाइयां होती हैं, उनको धारा प्रवाह गति से लिखने के लिए है ना, उनको जो है नियंत्रित करना, ये चार चीज है। पहला है मेकिंग लेटर्स ऑफ राइट शेप, उचित आकृति के लेटर्स ए बी सी डी वगैरह को लिखना। दूसरा है, लेटर्स, वर्ड्स एंड लाइंस के बीच में प्रॉपर स्थान छोड़ना, उचित स्थान छोड़ना। तीसरा है, कैपिटल लेटर और अन्य पंक्चुएशन मार्क्स को जहां जरूरी हो उसका प्रयोग करना। और चौथा है, छोटे छोटे बच्चों के मांसपेशियों, उंगलियों और कलाइयों को धारा प्रवाह लिखने से के लिए उनको कंट्रोल करना। यही चार चीज राइटिंग स्किल में आता है। नाउ टीचिंग ऑफ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग नॉर्मली है थ्री स्टेजेज। अब जो राइटिंग का जो मैकेनिक्स है उसके शिक्षण के लिए तीन अवस्थाएं होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रिपरेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज
स्क्रिप्ट राइटिंग स्टेज, थर्ड स्टेज मास्टरिंग स्टेज, यही तीन स्टेज है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं PSM, पी से प्रिपरेशन स्टेज, एस से स्क्रिप्ट राइटिंग स्टेज और सी से मास्टरिंग स्टेज, यही तीन स्टेज है। अब इसमें है प्रिपरेशन स्टेज में हाउ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर राइटिंग, दिस आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्टेज। इसमें फिर देर आर थ्री सब क्लासेज ऑफ प्रिपरेशन स्टेज। फर्स्ट सब क्लासेज, सब काइंड इज फ्री हैंड ड्रॉइंग, बच्चे फ्री हैंड ड्रॉइंग, कंट्रोल्ड ड्रॉइंग, फेमिलियर विथ राइटिंग फॉर्म्स, दीज आर थ्री सब काइंड ऑफ प्रिपरेशन स्टेज। एट दिस स्टेज फ्री हैंड ड्रॉइंग में द लर्नर्स इज मोटिवेटेड टू राइट स्टेप बाय स्टेप। जो प्रशिक्षु होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसको धीरे धीरे लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है। ही शुड स्टार्ट हिज राइटिंग विथ फ्री हैंड ड्रॉइंग, उसको अपनी राइटिंग फ्री हैंड ड्रॉइंग के द्वारा शुरू करनी चाहिए। द टीचर शुड अलाउ देम टू ड्रॉ बिग शेप्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑन लार्ज शीट्स ऑफ पेपर। शिक्षक को उन्हें मंजूरी देनी चाहिए कि कागज के बड़े बड़े शीट पर विभिन्न आकृतियों के बड़े बड़े आकृतियों को खींचने के लिए। दूसरा है कंट्रोल्ड ड्रॉइंग। इसमें हम क्या करते हैं कि अब स्टूडेंट शुड बी गिवन लाइन नोटबुक्स, अब बच्चों को हम लाइन वाला नोटबुक देते हैं कॉपी, टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकृति को बनाने के लिए उन्हें लाइन नोटबुक सब इस अवस्था में देते। उसमें था फ्री है, इसमें है कंट्रोल ड्रॉइंग में लाइन नोटबुक्स देते हैं, टू गिव कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, बच्चों को कंट्रोल्ड प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा है फेमिलियर विथ राइटिंग फॉर्म्स, सी है। इसमें क्या है, स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू राइटिंग फॉर्म्स बिफोर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग राइटिंग, बच्चों को राइटिंग का प्रैक्टिस करने के पहले विभिन्न प्रकार के लेखन आकृतियों को दिखाना चाहिए, इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, प्रस्तुत कराना चाहिए। द टीचर में राइट द नेम्स ऑफ पीपल्स ऑन देयर बुक्स नोटबुक्स हिमसेल्फ हरसेल्फ, विच विल क्रिएट इंटरेस्ट अमंग देम फॉर गुड राइटिंग। शिक्षक को बच्चों के नोटबुक्स में या ब्लैक बोर्ड पर स्वतः सुंदर राइटिंग में उनका नाम लिखना चाहिए, जो कि बच्चों में अच्छे लेखन के लिए अभिरुचि पैदा करता है। ये हो गया प्रिपरेशन स्टेज के तीन उपभेद हुए, फ्री हैंड ड्रॉइंग, कंट्रोल ड्रॉइंग और फेमिलियर विथ राइटिंग फॉर्म्स। अब आइए बी, दूसरा स्टेज जो है स्क्रिप्ट राइटिंग स्टेज। इसमें है दिस स्टेज स्टूडेंट शुड स्टार्ट स्मॉल लेटर्स फर्स्ट एंड देन कैपिटल लेटर्स। इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले स्मॉल लेटर्स लिखना सिखाना चाहिए, उसके बाद कैपिटल लेटर्स लिखना सिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लेट ए में है लेटर्स मेड बाई स्ट्रोक्स, जो लेटर स्ट्रोक के द्वारा प्रैक्टिस के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे स्मॉल आई के एल टी डब्ल्यू एक्स वाई कैन बी टॉट इन वन ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को चार ग्रुप में बांट देते हैं। स्टूडेंट शुड बी कैटेगराइज्ड इन फोर ग्रुप्स, डिवाइडेड इन फोर ग्रुप्स, बच्चों को चार टुकड़ियों में बांट देते हैं। पहला जो ग्रुप होता है उसको देते हैं
लेटर्स मेड बाई स्ट्रोक्स में आई स्मॉल आई स्मॉल के स्मॉल एल टी डब्ल्यू एक्स वाई ये एक ग्रुप को दे देते हैं। बी में है लेटर्स मेड बाई सर्किल्स, वे लेटर्स जो सर्किल के द्वारा बनते हैं, जैसे सी सेमी सर्कल होता है, ई में भी सेमी सर्कल होता है, ओ पूरा सर्कल होता है, स्मॉल एम भी सर्कल में ही आता है। यह हम दूसरे ग्रुप को दे देते हैं। लेटर्स फॉर्म वाई सर्किल्स एंड स्ट्रोक्स, अब जो है तीसरे ग्रुप को हम देते हैं वे लेटर्स जो वाई सर्किल्स के द्वारा बनते हैं, जैसे बी स्मॉल बी डी पी जी इन थर्ड ग्रुप को दे देते हैं। चौथा है लेटर्स फॉर्म्ड बाय कर्व्स, और चौथा में आता है वे लेटर्स जो कर्व के द्वारा जो घुमाओं के द्वारा बनते हैं, जैसे स्मॉल एफ जी स्मॉल एम एन आर एस यू इन द फोर्थ ग्रुप। तो पहले स्मॉल लेटर्स हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, उसके बाद आते हैं कैपिटल लेटर्स में। ठीक उसी प्रकार है, चार ग्रुप में छात्रों को बांट देते हैं। पहला जो ग्रुप है लेटर्स मेड बाय स्ट्रोक्स, इसमें उनको लिखाना सिखाते हैं कैपिटल ए आई एल ई एफ एम एन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बी में जो है लेटर्स मेड बाय सर्किल्स में जो है ओ सी क्यू कैपिटल है। थर्ड में जो है इसमें लेटर्स फॉर्म बाय कर्व्स, इसमें जो है हम सिखाते हैं बी डी जी पी आर एस यू, जो यह कर्व होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है, टेढ़ा होता है। इसमें हमने चार ग्रुप इसमें हमने देखा है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन कैपिटल लेटर्स में हम तीन ही ग्रुप बनाते हैं। आइए द टीचर हिमसेल्फ हरसेल्फ शुड गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड और इन द नोटबुक्स ऑफ स्टूडेंट टू, शिक्षक स्वयं या शिक्षिका स्वयं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर या छात्रों के नोटबुक में भी। इसके बारे में स्टूडेंट्स मस्ट बी आस्क्ड टू राइट ऑन द फोर लाइन नोटबुक्स, अब जो है छात्रों को अवश्य कहा जाना चाहिए कि वे फोर लाइन नोटबुक्स में लिखें, एंड दे शुड बी केयरफुली एंड इंडिविजुअली अटेंडेड, और उन सभी छात्रों को सावधानी पूर्वक और व्यक्तिगत जाकर मिल करके उनका देखभाल करके ध्यान करके लिखवाना चाहिए, ताकि उनसे अशुद्धि कम से कम हो, सो दैट दे मे राइट करेक्ट राइटिंग। नाउ सी मास्टरिंग स्टेज, द चीफ पर्पस ऑफ दिस स्टेज, ये जो है लास्ट स्टेज है, द चीफ पर्पस ऑफ दिस स्टेज इज टू हेल्प चिल्ड्रन टू एक्वायर एडल्ट स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग। इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को वयस्क शैली में लिखने के लिए है ना प्रोत्साहित करना। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू इट्स लेजिबिलिटी, अक्षर जो हो वह शुद्ध हो, लेखन शुद्ध हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नाउ द स्टूडेंट शुड बी टॉट टू कंबाइन द लेटर्स, अब छात्रों को लेटर्स को जोड़ने के लिए सिखाया जाना चाहिए, एंड टू बिकम फेमिलियर विथ कर्सिव एंड रनिंग राइटिंग, अब उनको कर्सिव राइटिंग के लिए और रनिंग राइटिंग के लिए भी लिखने के लिए कहा। नाउ वी हैव जस्ट सीन दैट टीचिंग ऑफ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग है थ्री स्टेज, ए प्रिपरेशन स्टेज और वन प्रिपरेशन स्टेज, टू स्क्रिप्ट राइटिंग स्टेज, एंड थर्ड मास्टरिंग स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज देर आर थ्री सब स्टेजेज अगेन, फ्री हैंड ड्रॉइंग, कंट्रोल ड्रॉइंग, फेमिलियर विथ राइटिंग फॉर्म। स्क्रिप्ट राइटिंग स्टेज सेकेंड वन है फर्स्ट स्मॉल लेटर्स
मस्ट बी टॉट टू राइट फॉर द स्टूडेंट्स एंड देन कैपिटल लेटर्स कैन बी टॉट. थर्ड मास्टरिंग स्टेज एडल्ट स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग को लिखने का बच्चों को बताया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है.